आज तेईस जून है साहब 2021 ये उस्मान नगर है जी ये तेईस जून है साहब आज 2021 ये उस्मान नगर जलपल्ली म्यूनसिपल में आता साहब ये महेश्वरम कॉन्स्टेंसी हलके में आता यहाँ के एमएलए एल है सबिता इंदिरा रेड्डी और वो एजुकेशन मिनिस्टर भी है पिछले साल दो नवंबर में यहाँ पानी आया था उससे पहले भी इतला दी गई थी मैडम को कि यहाँ पानी है, आने वाला है मैडम हर जगह जो है शहर भर गया तो उस टाइम पे भी जो है कोई इकदाम नहीं लिए गए सेफ्टी के लिए उस लिहाज से ये पानी यहाँ पे भर चुका है पिछले सात महीने से यहाँ पे पानी है जो हल्लू हल्लू करते हुए जो है यहाँ से पानी तो तकरीबन निकल चुका मगर जो पानी है उसकी हदबंदी नहीं की गई अभी तक महेश्वरम हल्के में यह सिर्फ़ एक तालाब नहीं है साहब मीरपेट भी मेश्वरम में आता बड़ंगपेट भी महेश्वरम में आता जलपल्ली भी महेश्वरम में आता मगर यहाँ पे जो है कन, कम्युनल कॉन्स्प्रेंसी के तहत जबकि यहाँ पे पूरे माइनॉरिटीज़ रहते ये तालाब में जो है हर साल दो से तीन बच्चे मरते इससे पहले के टर्म में भी मैडम एम एल थे टीआरएस आर गवर्नमेंट के हमारे दिगल कृष्णा रेड्डी साहब भी एम एल थे आज मैडम भी फिर टीआरएस में चले गए इससे पहले भी कई बच्चों के जो है यहाँ से लाश निकाले परसों गए सो रेनी सीजन में भी जो है दो डेड बॉडीज मिले थे अभी तक उनका वो उन लोग कैसा इसमें गिरे थे कैसा उनकी मौत हुई थी उसके बाद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी मगरिब में जब ये बच्चे जब तालाब में गए वो रीज़न क्या है किस वजह से गए थे क्या ताल्लुक से गए थे पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही मगर यहाँ के लोकल बॉडी के जो भी मेम्बर्स है यहाँ के काउंसलर है यहाँ के जो है चेयरमैन है यहाँ के मिनिस्टर है एम एल ए है यहाँ पर स्पॉट पे अभी तक नहीं आए और कोई भी किस्म की जो है फैमिली से ना कोई बात करे और ना इनको कोई तहकुन दिए और ना कोई एक पैसे की जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे स्पॉट पर उस्मान नगर में एक भी गवर्नमेंट ऑफिशियल सिवाय चार पुलिस कांस्टेबल के और हमारे भास्कर रेड्डी सी आई साहब के हट के एक भी गवर्नमेंट ऑफिशियल नहीं है जो कोशिश कर रहा है कि ये बच्चे की जो है डेड बॉडी निकाले ते ते या से। आए थे के बोल रहे थे नहीं आके जाने से नहीं होता ना साहब इन इं, इनका आज जो है इनके औलाद चले गई इनका एक घर का एक चिराग चले गया कम अज़ कम उसकी बॉडी तो निकाल के दे दो ना साहब आप आप अगर हदबंदी कर देते थे यहाँ पे आने जाने पे पाबंदी कर देते थे तो आज ये हादसा नहीं होता था चलो ये हो गया कोई भी मकसद से हो गया मगर मैं गवर्नमेंट से हमारे एम एल मैडम से गुजारिश कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द जो है उस्मान नगर की जो है हदबंदी कराइए प्रॉपर तरीके से कि कल के दिन जो है कोई मासूम की जान ना जाए आप लोग को कैसा पता चला ये डेड बॉडी का बस यहाँ के लोकल मुकामी लोगों ने बताया कि दो बच्चे जा रहे थे एक बच्चा निकल के आ गया एक बच्चा अंदर ही है बोले तो इस तरीके से इतना मिले से। किस का ये मग़रब के टाइम का है